एवरीवन, मैं हूँ मेघा और आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ बायोटिक के हेयर सीरम का, जो है बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा बायो माउंटेन एम्ब्रोई विटिलाइजिंग सीरम फॉर फॉलिंग हेयर। और ये एक आयुर्वेदा प्रोडक्ट है और इसे इसकी जो 2 से 3 बॉटल मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ और इसका क्या बेनिफिट मुझे मिला ये मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और मैंने इसे रिपर्चेज़ किया है, रिसेंटली मेरी ये बॉटल फिनिश हो गई है और मैंने इसे अगेन परचेज़ किया है। मैंने इसे परचेज़ किया है पर्पल से। आप इसे परचेज़ कर सकते हो पर्पल से, नायका पे या और किसी भी ऑनलाइन कॉस्मेटिक वेबसाइट पे ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और अब इसकी प्राइस की बात करते हैं तो इसका प्राइस है 185 रुपीज़, लेकिन आपको ये डिस्काउंट में मिल जाता है ऑफ़र में। और इसकी सेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स। और जितने भी बायोटेक के प्रोडक्ट हैं वो पैराबिन फ्री होते हैं, ग्लूटेन फ्री होते हैं और 100% आयुर्वेदा प्रोडक्ट होते हैं। इन पे भी मेंशन है कि ये 100% एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। और ये इस टाइप की कुछ बॉटल में आता है, ये एक प्लास्टिक बॉटल है इस टाइप से। और इसके अंदर जो सीरम है आप देख सकते हैं इस टाइप से है, कुछ ब्लैक ब्राउन से कलर का, लाइट ब्राउन से कलर का। और इसका बेनिफिट मैं बताऊँ तो सबसे पहले जिनके भी हेयर फॉल होते हैं, जिनको भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, बाल झड़ते हैं टूटते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। मुझे भी ये दिक्कत बहुत टाइम से हो रही थी कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ गए थे और बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे। इवन मेरे बाल कर्ली होना स्टार्ट हो गए थे, एक फ्रिजी से हेयर्स हो गए थे। लेकिन मुझे इसे यूज़ करने के बाद अपने हेयर पे काफ़ी सारे चेंजेस दिखे हैं और इसका इसलिए ही आज मैं आपके साथ एक हॉनेस्ट रिव्यू शेयर कर रही हूँ। और इसको जो इसको यूज़ करने का तरीका है वो भी बहुत ईजी है। आप जब भी हेयर वॉश करते हैं और आपके हेयर ड्राई हो जाते हैं तो अपने ड्राई स्केल्प पे अपने फिंगर जैसे ऑयल आप लगाते हैं इस टाइप से, बहुत हल्के अमाउंट में से लेकर अपने ड्राई स्केल्प पे मसाज कर लेनी है बहुत स्लो मोशन से, और ये बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाएगा। और इसका सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है, और जितने भी सीरम होते हैं वो लगने के बाद ना थोड़ी ऑयली से लगते हैं, मतलब सॉफ्ट से, मतलब आपको महसूस होता है कि आपने अपने बालों में कुछ लगाया है। लेकिन इसको लगाने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल जैसे हेयर वॉश के बाद आपके हेयर ड्राई हो जाते हैं सेम ये उसी तरह से ड्राई हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं आपको दिखेगा कि आपने इसका कोई भी सीरम यूज़ किया है उसके बाद अपना आप कोई सा भी हेयर स्टाइल करिए। और इसकी फ्रेगनेंस की बात करूँ तो फ्रेगनेंस बिल्कुल से आयुर्वेदिक मेडिसिन में होती है, बहुत सारी जड़ी बूटियों की, तो उस टाइप से इसकी कुछ भ्रमी और या से कुछ करके इसकी खुशबू है, और लेकिन वो बहुत अच्छी है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड स्मेल है। और इसका फॉर्मूला दिखाती हूँ, ये बहुत ज़्यादा ना वाटरी फॉर्मूले में है, देखिए इस टाइप से देख सकते हैं, ये देखिए। और इसे लगाना बहुत इजी है, आप इस टाइप से लेस के अपने हेयर पे ऐसे लगा सकते हैं या सीधा आप इस बॉटल में भी एक जो होल है उसे इजीली अपने स्कैल्प पे डाल के इजीली मसाज कर सकते हैं। और इसको बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, आपके हेयर के अकॉर्डिंग बहुत थोड़ा सा लेके अपने ड्राई स्कैल्प पे लगाइए। स्कैल्प के साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके जो नीचे के हेयर हैं, लेंथ वाले जो हेयर होते हैं वो ड्राई हैं, तो अपने हेयर्स पे लेके इसको इस टाइप से मोशंस में लगा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा थोड़ा हेयर ड्राई होने के बाद ही इसे लगाना है। और आप इसे रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट ईजिली दिखाई देगा, बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देगा। मुझे तो ये बहुत बहुत पसंद है और मैं इसे हमेशा अपने जब भी प्रोडक्ट ये ख़त्म हो जाता है तो उसे पहले ही रीपर्चेज कर लेती हूँ। और अगर कोई भी सीरम की बात करूँ तो मुझे हर सीरम, मतलब जितने भी सीरम मैंने अभी तक यूज़ किए हैं उसमें से ये वाला सीरम सबसे ज़्यादा पसंद आया है। और इसने मेरे बालों पे भी वर्क किया है, मेरे जो हेयर फॉल हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, अभी बिल्कुल नहीं रुके हैं, लेकिन बहुत 80-90% हेयर जो फॉल की मुझे प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। और अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से इसे परचेज़ कर सकते हैं नायका या पर्पल के स्टोर से। आज का वीडियो यही था, आपको कैसा लगा रिव्यू ज़रूर बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, बाय बाय।